उनके प्रति राग द्वेष ना हो। यदि राग द्वेष है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में, मेडिटेशन में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मन वहीं दौड़ के जाता है जहाँ जहाँ हमारे अटैचमेंट्स हैं, राग द्वेष हैं, चाहत हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, वहीं मन दौड़ के बार बार जाता है। और यदि एक बैलेंस्ड एटीट्यूड विवेक बुद्धि के द्वारा बाय डिस्क्रिमिनेशन हमने एक ऐसा डिस्पैशनेट स्टेट प्राप्त कर ली है, ऐसी एक वैराग्य की स्थिति प्राप्त कर ली है जिसमें मन हमारा डामाडोल नहीं होता, तो हमारा ध्यान लगने में आसानी होती है। हम लोगों ने ये भी विचार किया कि विवेक को बढ़ाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन की जो फैकल्टी हमारे अंदर है उसको बढ़ाने के लिए प्योरिफिकेशन, प्योरिटी, ए पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ बहुत आवश्यक है। जीवन में शुद्धता, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सहायता, अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर लाना, यदि उस तरह का जीवन हमारा है, सदाचार का जीवन है, सदाचार है, विवेक है, वैराग्य है, निस्वार्थ सेवा है, प्रेम है, तो ध्यान हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उस तरह की तैयारी हमने नहीं की है तो ध्यान में आँख बंद करके बैठना और मन इधर उधर दौड़ते रहना, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसा कल हम लोगों ने विचार किया था कि ध्यान एक ऐसी चेतना की शुद्ध, शांत और जागरूक अवस्था है जिसमें हुआ जाता है, वो क्रिया नहीं है, अक्रिया की स्थिति है। नीचे के जो पांच तल हैं, फिजिकल लेवल, स्थूल तल, शरीर के तल पर क्रिया होती है, प्राण के तल पर क्रिया होती है, प्राण में कोर्स यही स्लीप बॉडी जिसको कहते हैं उस पर क्रिया होती है, एस्ट्रल बॉडी जो भावनात्मक शरीर है उसमें क्रिया होती है, लोअर मेंटल बॉडी जिसको मनन कोष कहते हैं उसमें भी क्रियाएं होती हैं, थिंकिंग चलती है, संसारिक थिंकिंग होती है, हायर मेंटल बॉडी जिसको विज्ञान में कोष कहते हैं उसमें भी क्रिया होती है, गहरे विचार, डीप थिंकिंग होती है, डिविनिटी के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक नेचर के बारे में सोचना, आत्मा के बारे में सोचना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सब बातों में विचार करना, ये सब हायर माइंड का काम है हमारी। लेकिन जब इससे ऊपर का जो तल है, छठा तल है जिसको इंट्यूशनल लेवल कहते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ही मेडिटेशन शुरू होता है। और उस तल पर कोई क्रिया नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह बता सकता कि मेडिटेशन ऐसे किया जाए या मेडिटेशन में इस तरह जाया जाए, उसकी कोई टेक्निक नहीं है। स्वतः ही उसमें क्वांटम जंप या म्यूटेशनल जंप अपने आप होता है जब नीचे की सारी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट्स द्वारा, अपने किसी भी टेक्निक द्वारा साइलेंस में नहीं जंप कर सकता। साइलेंस में जंप ऑटोमेटिक होती है जब नीचे की क्रियाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। जब आपके विचार शांत हैं, आपकी भावनाएँ शांत हैं, कोई शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं है और आप बिल्कुल शांत चित बैठे हैं, जैसे ही आप शांति होती है, साइलेंस आता है, एकदम चेतना का जो सेंटर है, लाइफ सेंटर, कॉन्शियसनेस का जो सेंटर या फोकस है जो हमारे हार्ट सेंटर में है, वो शिफ्ट होता रहता है, हर शरीरों में शिफ्ट होता है, वो अपना आप ही इंट्यूशनल बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। टेक्निक को यदि समझ लिया आपने तो फिर मेडिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से एक बार इसको समझिए, यदि हम अपने चेतना के केंद्र को मेंटल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? हम थिंकिंग करना शुरू कर दें, चिंतन मनन करना शुरू कर दें, तो स्वतः ही हमारे सेंटर चेतना का कहाँ पहुंच जाएगा? मेंटल बॉडी में फोकस हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है। यदि हम अपने चेतना के सेंटर को एस्ट्रल बॉडी में फिक्स करना चाहते हैं, जिसको भावनात्मक शरीर कहते हैं, तो हम क्या करें? कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? हम गहरी भावना शुरू कर दें, भक्ति भावना ले आए, प्रेम की भावना ले आए, तो एकदम हमारा चेतना का केंद्र, सेंटर ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके एस्ट्रल बॉडी में चला जाएगा। हम अपने चेतना के केंद्र को फिजिकल बॉडी में फिक्स करना चाहते हैं तो क्या करें? कुछ क्रिया करना शुरू कर दें, फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें, किसी को देखना शुरू कर दें, कोई पढ़ना शुरू कर दें, किसी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, टच करना शुरू कर दें, तो हमारा चेतना का केंद्र अपना फिजिकल बॉडी में आ जाएगा। तो ये जो नीचे के तल हैं इस पे तो एक पर्टिकुलर क्रिया करते ही चेतना का केंद्र उस सेंटर, उस बॉडी में चला जाता है। लेकिन इंट्यूशनल बॉडी के लिए कैसे करें? वहाँ तो कोई क्रिया नहीं है, वहाँ तो कोई विचार नहीं है, वहाँ तो कोई भावना भी नहीं है,
वहां तो कोई एक्शन किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, वो बहुत टफ पड़ता है क्योंकि कुछ करने वाली बात तो हमको समझ में आ जाती है, ऐसे करना है तो हमने कर लिया और ऑटोमेटिक क्रिया शुरू होगी वहाँ, नल केंद्र पहुँच गया। लेकिन जो अक्रिया की स्थिति है, जो साइलेंस है, जहाँ पर कुछ करना नहीं है बल्कि होना है, यू हैव टू बी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, नॉट दैट यू आर डूइंग समथिंग बट यू हैव टू बी इन दैट स्टेट विद फुल अलर्टनेस विद फुल अवेयरनेस, तो बहुत डिफिकल्ट बात है। हमेशा हम कुछ ना कुछ करते रहना ही चाहते हैं, हटते ही हर समय ही हमारा कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, सोते उठते बैठते जाते खाते पीते कुछ ना कुछ क्रियाएँ होती रहती हैं, इसलिए हम लोग उसके तो आदि हैं कोई भी क्रिया करने की। हमसे कहें कोई इस पर विचार करो तो थोड़े बहुत देर तो विचार कर ही लेंगे, कोई हमसे कहें चलो भावना भाव प्रधान है आप भावना लाइए, कोई भक्ति की भावना लाइए प्रेम की भावना लाइए तो भावना आ जाएगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी क्रिया करिए तो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ये कहा जाए कि आप ऐसी स्थिति में आ जाइए कि कुछ कोई क्रिया ना हो, ना मानसिक तल पर कोई क्रिया हो, भावनात्मक तल पर कोई भाव हो, ना शरीर के तल पर कोई क्रिया हो, सिर्फ शांत हो आप, साइलेंस हो और सोए हुए ना हो, जगे हुए हो, जागरूक हो, अंदर से अलर्ट हो, अवेयर हो, तो ये स्थिति बहुत टफ है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई ना, इसका टेक्निकली साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अक्रिया की स्थिति को ही मेडिटेशन कहते हैं। साइलेंस, जब आप साइलेंस में जाएंगे तब जो हमारी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका डायनेमिक प्ले ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। वहाँ पर परसेप्शन है, स्पिरिचुअल परसेप्शन है, पैसिव अवेयरनेस है, एक्टिव एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर अवेयरनेस है, वहाँ पर कुछ जाना जाता है। और इंट्यूटिव प्लेन पर जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो कुछ ऐसी बातें आप जान जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आप परसीव करते हैं जो कभी आपने नहीं सुनी, जो कभी आपने नहीं पढ़ी, जो कभी आपने नहीं देखी। ऐसे ऐसे अनोखे अनुभव, ऐसे ऐसी अनोखी अनुभूतियाँ होती हैं वहाँ पर, जिनको इस लेवल पर आपको बयान भी नहीं किया जा सकता। जैसे एक वहाँ पर एक बहुत ही गहरे आनंद की अनुभूति होती है, ब्लिस जॉय एस्टेसी, उसकी तुलना सांसारिक प्लेजर से या आनंद से नहीं कर सकते। जैसे आप मिठाई खाते हैं, आपको कुछ प्लेजर हुआ, आनंद मिला, वहाँ जो प्लेजर होता है उसका ये 0% भी नहीं है, कोई उसका कंपेरिजन ही नहीं है। यहाँ पर सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे भोग विलास की एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत आनंद आता है, लेकिन ये जो आनंद है, ये जो सुख आपको मिलता है, ये जो शांति आपको मिलती है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है उसके कंपेरिजन में। वहाँ तो एंडलेस ब्लिस है, एंडलेस जॉय है, आपको ऐसा अनुभूति होती है कि उससे नीचे आने का मन ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है। जो मानसिक विचार है वो उसको डिस्टॉर्ट नहीं करता, उस सेरेनिटी को, उस शांत अवस्था को, उस शांत शुद्ध और आनंद की अवस्था को विचार डिस्टर्ब करता है। और विचार वहाँ है नहीं, इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं होते, बड़े शांत रहते हैं। और विचार ही हमें एक दूसरे से अलग करता है। मैं और तू का भाव मेंटल लेवल पर ही, वहाँ पर माइंड नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो वहाँ पर मैं और तू का भाव नहीं है, इसलिए वहाँ पर चेतना एक ही है। चेतना का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको ऐसा अनुभूति होती है उस लेवल पर, उस तल पर, कि जैसे आप अलग नहीं हैं बल्कि आप सबके साथ हैं, सबके अंदर हैं, सब आपके अंदर हैं, ऐसा चेतना का एक्सपेंशन हो जाता है। और कभी कभी तो चेतना का इतना बड़ा जबरदस्त एक्सपेंशन होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है आप पूरे सौरमंडल में, सब जगह है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, इस शरीर में भी है, इस शरीर में भी है, उस शरीर में भी, सब जगह है। तो अलगाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, दूरियाँ खत्म हो जाती हैं, टाइम एंड स्पेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। टाइम एंड स्पेस, थॉट, थिंकिंग, यही तो दुख के कारण है। यदि वो खत्म हो गया तो आप आनंदित हो गए, सीमाएं खत्म हो गई, सीमा रहित आप लिमिटलेस हो गए, इम्परफेक्शंस खत्म हो गए, आप परफेक्ट हो गए, अज्ञानता खत्म हो गया, परफेक्ट ज्ञान आपको आ गया, तो वहाँ पर बहुत सी अनुभूति होती है। इसलिए हम लोग मेडिटेशन में जाने का या मेडिटेटिव स्टेट में जाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसा वो तो है नहीं जिससे क्रिया की जाए और हम स्वतः ही वहाँ पर पहुँच जाए, अपना क्रिया करते हुए वहाँ पहुँचे, वो तो अक्रिया की स्थिति है। तो फिर हम क्या करें? यदि कुछ भी ना करें तो आप बंद करके बैठे तो ध्यान लगता नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमने तैयारी की बात की कल, वो बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई आदमी ये कहे कि मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जीता रहूँ, 8 बजे सो के उठता हूँ तो 8 बजे ही सो के उठता रहूँ, शराब पीता हूँ तो शराब पीता रहूँ, मीठ खाता रहूँ, और मुझे टेक्निक बता दे
कि मेरा मेडिटेशन लग जाए तो पॉसिबल नहीं है। जो वे ऑफ लिविंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जो संसारिक लालसा है, संसार के प्रति जो हमारा अटैचमेंट्स है, रुपया पैसा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, इसके प्रति जो हमारी एम्बिशन है उसको कम करना पड़ेगा। यदि आप ये चाहें कि वो सब मेरी बनी रहे और आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं तो वो पॉसिबल है। हर चीज़ के लिए प्राइस देना पड़ता है। यदि आप ये चाहें, इतनी कीमती चीज़ आप प्राप्त करने जा रहे हैं, इससे बड़ी कीमती कोई चीज़ नहीं है। आप लिमिटेड से लिमिटलेस होने जा रहे हैं, आप इम्परफेक्ट से परफेक्ट होने जा रहे हैं, आप आत्मा से परमात्मा स्वरूप होने जा रहे हैं, आप एक ऑर्डनरी एक बिल्कुल पैटी सेल्फ से आप हायर सेल्फ डिवाइन सेल्फ अल्टीमेट रियलिटी को टच करने जा रहे हैं, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। हम सबका वही वास्तविक स्वरूप है। तो इतना बड़ा पद हम प्राप्त करने जा रहे हैं, हम सर्वत्र होंगे, सारी शक्तियाँ हमारे पास होंगी, सर्वत्र हमारा आनंदित होंगे, उसके लिए हम कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। और छोटे मोटे संसारिक लोग लालच में हम फंसे हुए हैं तो अधिकार है, फिर हम उसके लिए हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कुछ तो प्राइस उसका होना, प्राइस हमारा पैसे की प्राइस नहीं है। कोई वही चाहे कि साहब मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लो और हमको मेडिटेटिव स्टेट पर पहुँचा दो, कोई नहीं पहुँचा सकता। कोई कहे कि हमको ऐसी कैप्सूल दे दो कि मैं वो कैप्सूल अंदर लूँ और मेरा ध्यान लग जाए, नहीं पहुँचा सकता। कुछ ऐसे लोग एक्टिंग करते हैं, बताते हैं ड्रग्स हैं, कुछ LSD की टैबलेट्स लेते हैं, कुछ ऐसा आर्टिफिशियल मींस अडॉप्ट करते हैं, वो तो बहुत घातक है। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप विचार शून्य में हैं और बड़ा आपको आनंद आ रहा है, लेकिन वो प्योरली टेम्परेरी है। और जब LSD का नशा खत्म हो जाएगा, जब आप फिर नीचे आएंगे तो फिर आप बहुत ही बदतर हालत में होंगे। तो वो भी बुरी बात है। दवाइयों के बेसिस पर या ड्रग्स के बेसिस पर फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया, LSD या OA इसी तरह की नशे वाली चीज़ें आती हैं, ड्रॉप एक जीप पर डालते हैं और उससे एकदम से आपको ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ने लगे, आप एकदम शांत हो गए, बड़ा आनंद सा आता है टेम्प्रेरी, लेकिन वो सब प्योरली टेम्प्रेरी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट में, उसके लिए कुछ प्राइस में देना पड़ेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये बात करें, जैसे अभी आप लोग 15 मिनट 20 मिनट ध्यान में बैठे, तो आप क्या किया ध्यान में? जब आप यदि आपको ये कहा जाए कि आप ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में जाइए, ये तो हमने समझ लिया कि ध्यान जो है कुछ ना करने की स्थिति है, कुछ किया नहीं जाता। पर जब आपको ये कहें कि आप ध्यान में जाइए तो आप क्या करेंगे? अभी जो 15 मिनट बैठ के जो लोग यहाँ थे, तो आप लोगों ने क्या किया? ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। कोई बताए, कोई एक भाई कुछ बताए। सिर्फ साइलेंस में बढ़ गए और अपने जो विचारों पे ऑब्जर्व करते रहे, विचारों को ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। देखिए ध्यान में जाने के लिए, क्योंकि साइलेंस है जो मेडिटेशन है, वो तो साइलेंस है, वहाँ पर कुछ किया नहीं जाता। लेकिन साइलेंस इंट्यूटिव प्लेन की बात है, छठे तल की बात है, और हम नीचे के तलों पर हैं अभी। तो जब तक हम नीचे के तल पर हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी क्रिया करें जिससे स्वतही थोड़ी देर के बाद में विचार शांत हो जाए और हम छठे तल पर जो इंट्यूटिव प्लेन है उस पर चले जाएं। तो जैसे आपने बताया कि विचारों को ऑब्जर्व करना, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। जब आप विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, जो चॉइसलेस अवेयरनेस माइंडफुलनेस, इसी से विपश्यना ऑब्जर्व करते हैं, जो भी नीचे की शरीरों की एक्टिविटी है। अब कौन कौन से शरीर एक्टिविटी करते हैं? जो नीचे के 5 शरीर हैं इनमें एक्टिविटी हो रही है, ये तो समझ लिया ना हम लोगों ने। जो नीचे के 5 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, ये हमारी 5 शरीर हैं, इनमें क्रियाएं होती हैं। और जो इंट्यूशनल लेवल है वहाँ पर डायरेक्ट परसेप्शन है, इंट्यूटिव परसेप्शन है। स्पिरिचुअल लेवल पर भी जो स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी 7वां शरीर, उसमें भी स्पिरिचुअल परसेप्शन है। तो जो हमारी हायर बॉडीज हैं उस लेवल पर, 6ठा और 7वां जो तल है, 6th and 7th plane, वहाँ पर स्पिरिचुअल परसेप्शन है, डायरेक्ट परसेप्शन है, वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें, जब नीचे के तल पर हैं, तो नीचे के तल पर कुछ ऐसी क्रिया करें जिससे स्वतः ही वो क्रियाएं शांत हो जाएं। तो जब माइंड को या माइंड की एक्टिविटी को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, विचार धीरे धीरे रुक जाता है। ये प्रैक्टिकल करने वाली बात है। इसका क्यों ऐसा होता है? देखिए, एक तो जो रियल मैन, जो रियल मनुष्य है अंदर वाला, इनर मैन, और उसके 7 शरीर, दो अलग अलग बातें हैं।
अल्टीमेटली तो सब कुछ एक ही है, एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म तत्व है, उसी से सारा ये सृष्टि बनी है, वही जीव है, वही जड़ है, वही चेतन है, उसी से शरीर बना है, उसी से प्रकृति बनी है, उसी से जीवात्मा और आत्मा परमात्मा तो एक ही तत्व है। लेकिन जब मैनिफेस्टेशन हो गया, जब प्रकटीकरण हो गया, जब पूरे यूनिवर्स की रचना होगी तो इसमें ड्वेलिटी पैदा होगी, दो है, बिना दो के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसा हमने उस दिन बताया था कि यदि आप ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक पेंसिल से कुछ पिक्चर बनाना चाहेंगे, कुछ डिपिक्ट करना चाहेंगे तो आप नहीं बना सकेंगे। सफ़ेद व्हाइट व्हाइट बोर्ड है, उस पर व्हाइट पेंसिल से कुछ लिखेंगे तो कुछ नहीं लिख सकेंगे। दो कलर चाहिए, व्हाइट के ऊपर ब्लैक से लिखेंगे तो पिक्चर बन सकती है, कुछ डिपिक्शन हो सकता है, कुछ प्रकट हो सकती है। ब्लैक पर व्हाइट से लिखेंगे या व्हाइट पर ब्लैक से लिखेंगे। तो सृष्टि की रचना होने के लिए, ये विविधता आने के लिए दो का होना बहुत आवश्यक है। और दो थे ही नहीं, एक ही था, एक ही ब्रह्म तत्व था जिसको अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं या परम तत्व कहते हैं। वो एक ही दो में विभाजित हो जाता है, वो दो एक ही दो में दो रूप धारण कर लेता है। जैसे एक पूरे तब में पानी भरा हो, एक एंडलेस हॉल होती हो, उसमें पानी पूरा भरा हो, तो उसके एक तरफ पानी को आप गर्म करिए तो उससे स्टीम बन गई, दूसरी तरफ पानी को फ्रीज करिए तो बर्फ बन गया। तो इधर तो बर्फ है, इधर बर्फ है और इधर स्टीम है, भाप है, तो दोनों पानी ही है अल्टीमेटली, लेकिन उस पानी के दो रूप बन गए, दो उसकी पोलरिटीज बन गई, एक सॉलिड है और एक एनर्जी है। स्टीम तो एनर्जी है, और स्टीम को भी यदि और आप हीटेड कर दें, गर्म कर दें, तो वो एटॉमिक एनर्जी बन जाएगी। तो एक एनर्जी है, एक एटॉमिक एनर्जी है, और एक बर्फ का टुकड़ा है, सॉलिड है। उसी से एक दोनों है ही पानी, लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो गया, दोनों की क्रियाएं बिल्कुल अलग अलग होगी। एक सॉलिड है, उसको आप फेंक सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं, उसको आप तोड़ सकते हैं। एक एनर्जी है, उसको आप छू भी नहीं सकते, वो देख भी नहीं सकते, वो बड़ी सटल है। ऐसे ही परमात्म तत्व की जो ब्रह्म तत्व था, उसकी दो पोलरिटीज बन गई, एक स्प्रिट और एक मैटर। उसको पुरुष और प्रकृति कह दिया, उसी को शिव और शक्ति कह दिया, दो पोलरिटीज बन गई। साइंटिफिक टर्म में उसी को नेगेटिव पोल कहा, एक को पॉजिटिव पोल कह दिया। दो पोलरिटीज बन गई, दो उसके एस्पेक्ट्स बन गए, और दो एस्पेक्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक्टिविटी क्रिया होगी। तो जो हमारे अंदर जो रियल इनर मैन है, जो वास्तविक मनुष्य है, वो जो स्प्रिट एस्पेक्ट है, जो पुरुष तत्व है, उसका उसका हिस्सा है। और जो हमारा शरीर है, ये जो प्रकृति का तत्व है, उससे बना हुआ है। तो दो पोलरिटीज हमारे शरीर के अंदर है, समझेंगे ना। ये बात बड़ी हल्की है, लेकिन समझना चाहिए, साधारण भाषा है, लेकिन ये नहीं समझ पाते लोग। ये शरीर के अंदर दो तत्व है, प्रकृति तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। पुरुष तत्व जो है आत्मा है, जीवात्मा है, और जो प्रकृति तत्व से बना है वो ये शरीर है। कुछ लोग इसको उल्टा समझते हैं, जैसे हमारे जो स्त्रियों का शरीर है, नारी शरीर है, उसके अंदर भी पुरुष तत्व भी है और प्रकृति तत्व भी है। जो आत्मा है, मेरे अंदर यदि आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, और जो स्त्रियों के अंदर, नारी के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा तो स्प्रिट एस्पेक्ट है, शिव तत्व है। तो हर किसी के अंदर शिव तत्व भी है और पुरुष प्रकृति तत्व भी है, शक्ति तत्व भी है। शक्ति मीन्स प्रकृति, शक्ति मीन्स एनर्जी, मैटर एनर्जी है ना, तो साइंस ने प्रूव कर दिया है। फोर्स मैटर इज नथिंग बट फोर्स एंड एनर्जी। तो एनर्जी से मैटर पार्टिकल बनते हैं, मैटर पार्टिकल से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स से बॉडी बन रही है, ये हमारी फिजिकल बॉडी बन रही है। और जो पुरुष तत्व है वो आत्मा स्प्रिट एस्पेक्ट है, उससे आत्मा है। तो दो चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी, हम अपने आप को ये शरीर ही समझे रहेंगे, तब तक कोई साधना नहीं होगी। प्रैक्टिकल लेवल पर थ्योरेटिकल समझ लेना एक बात है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बनी रहना, इस बात की जागरूकता हमेशा रहे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं शरीर के अंदर चेतन तत्व आत्मा हूँ। नाम उसका कुछ भी रखें, उसको आत्मा कहें, उसको जीवात्मा कहें, उसको मोनाड कहें, उसको सोल कहें, उसको ईगो कहें, जो भी उसका नाम रखें, नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम रियलिटी नहीं है, जो तत्व है, जो रियल है, सब्सटेंस है, वो रियल है। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है ना। इसलिए नाम के चक्कर में हम लोग ना पढ़े, लेकिन चूंकि वर्ड्स यूज करने इसलिए पढ़ते हैं, दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो अंदर चेतन तत्व है, जो चेतना है, जो स्प्रिट एस्पेक्ट है, जो पुरुष तत्व है, उसी को जीवात्मा या आत्मा कहा है। तो हम जो है, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, सब जीवात्मा है, आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर हमारा उपकरण है, शरीर हमारा यंत्र है, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। तो और शरीर हमारा एक नहीं है, शरीर हमारे साथ है, सात शरीर है। तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, एक जीवात्मा है, चेतना, और ये सात शरीर, सातों शरीर हमारे सबके अलग अलग है, उसमें कोई किसी तरह का कोई सिमिलरिटीज नहीं है।
मेरा फिजिकल बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ब्लड ग्रुप अलग होगा, ब्लड सेल्स बिल्कुल अलग होंगे, नंबर ऑफ लिविंग सेल्स अलग होंगे, वेट अलग होगा, ब्लड प्रेशर अलग होगा, हर चीज केमिकल कंपोजिशन डायनेमिकली कोई बिल्कुल अलग होगा। कोई हमारी मेरे शरीर का कंपोजिशन आपके शरीर के कंपोजिशन से नहीं मिलता। देखने में लगता है कि आपका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, लेकिन जब आप ब्लड को चेक करेंगे तो दोनों का ब्लड का अलग अलग क्वालिटीज होंगी। यानी यूनिफाइस के लेवल पर आप जानते हैं, दोनों की आंखें देखने में एक सी लगती हैं, लेकिन जब आप माइनोरिटी चेक करेंगे देखेंगे तो दोनों की आंखें बिल्कुल भिन्न है, एकदम अलग अलग। दोनों के हाथ एक सी लगते हैं, लेकिन आप जब माइनोरिटी देखेंगे तो पता लगेगा कुछ भी बिल्कुल अलग अलग। कोई भी चीज दो, इतनी डाइवर्सिटी है नेचर में, प्रकृति में, कि कोई भी दो पदार्थ एक से नहीं है। एक ही पेड़ की दो पत्ती आप तोड़ लाइए, उनको मिलाइए, तो आप मिलाएंगे देखेंगे दो पत्तियां ऊपर से देखने में एक सी लगती है। एक ही नीम के पेड़ की आपने दो पत्ती ले आए तो मोटे तौर पर आप कहते हैं नीम की पत्तियां हैं, लेकिन जब आप उनको पास लाकर देखेंगे तो आप उसमें बड़ा भारी डिफरेंस पाएंगे। बिल्कुल कोई छोटा साइज है, कोई बड़ा साइज है, किसी का शेप थोड़ी सी भिन्न है। तो प्रकृति में भिन्नता है, शरीर हमारे सबके अलग अलग है, उसमें अनेकता है। तो जो ड्वेलिटी है वो शरीर के तल पर है, लेकिन जो आत्मा है, जो चेतना है, जो करंट है अंदर, इनर करंट है, जो लाइफ है, वो हम सब एक, उसमें कोई एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है। ये बात समझने में, जैसे यहाँ पर हजारों बल्ब लगे हो, जब हम दिवाली पे वो लगाते हैं ना, लड़ी लगाते हैं, उसमें बल्ब लगाते हैं, हरा लाल नीला पीला, हजारों बल्ब लगा देते हैं, तो सब बल्ब अलग अलग है, कोई छोटी पावर का है, कोई बड़ी पावर का है, कोई लाल रंग का है, कोई हरे रंग का है, कोई पीले रंग का है, लेकिन उनके अंदर जो करंट है, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो सबके अंदर एक है, वो अलग नहीं है। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, जो हीटर और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एनर्जी काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो एक ही है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल अलग है। एक आग उगल रहा है और एक बर्फ दे रहा है, रेफ्रिजरेटर से बर्फ निकल रही है और हीटर से आग निकल रही है। तो ये आग और ठंडा, ये जो गुण है, ये उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ना तो ठंडी है ना गर्म है, वो तो जैसे उपकरण से मैनिफेस्ट हो रही है, जैसे यंत्र से मैनिफेस्ट हो रही है, वैसे इसका प्रकटीकरण होगा, वैसे इसका एक्सप्रेशन होगा। ऐसे ही हमारे जो सात शरीर हैं, हमारे जो शरीर हैं, शरीरों में डिफरेंस है, वो चेतना, वो आत्मा जो हम सबके अंदर एक ही है, एक सी ही है, लाइफ करंट कॉन्शियसनेस हम सबके अंदर एक ही है, एक ही एनर्जी वर्क कर रही है, एक ही लाइफ एनर्जी वर्क कर रही है, लेकिन वो जैसे उपकरण से वर्क करती है, जैसे उपकरण के थ्रू मैनिफेस्ट होती है, वैसे ही उसका एक्सप्रेशन आ जाता है। ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई? तो ये अवेयरनेस हमें हमेशा बनी रहे। तो जब हम फिजिकल लेवल पर होते हैं, फिजिकल तल पर, मान लिया मेरी चेतना, चेतना मेरी चेतना और आपकी चेतना एक ही है, कहने के लिए अलग अलग है आत्मा और मेरी आत्मा और आपकी आत्मा, लेकिन शब्द यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि एक आत्मा यहाँ एक आत्मा वहाँ है। जो आत्मा है मीन्स जो लाइफ करंट है, जो लाइफ फोर्स है, जो लाइफ एनर्जी है, वो ऑल परवेसिव ऑल प्रेवेडिंग है, यहाँ भी है वहाँ भी है, सर्वत्र व्याप्त है। लाइफ एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी, चैतन्य शक्ति जिसको आप कहते हैं, और वो जहाँ उसको कॉन्टैक्ट होता है, जिस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर वो कॉन्टैक्ट बनाती है, वहाँ पर एक सेंटर क्रिएट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी तो एक ही है पूरे घर में, लेकिन उसके पॉइंट्स आपने दिए होंगे जगह जगह, उसके सेंटर्स क्रिएट किए होंगे, कहीं किसी सेंटर में आपने हीटर लगा दिया, किसी पॉइंट पर आपने रेफ्रिजरेटर लगा दिया, किसी पॉइंट पर आपने ट्यूबलाइट लगा दी, यही करते हैं ना। तो लेकिन आप ये नहीं कहते कि वो एनर्जी जो सबके अलग अलग है, इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी है, नहीं ना, एक ही है ना, ये तो आप समझ रहे हैं, ये तो मोटे तौर पर। और ये जो सूक्ष्म एनर्जी है, ये जो चेतना है, ये तो उससे भी अधिक सूक्ष्म है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट कहना कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल मिसनोमर है, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो एक ही है, वही कॉन्शियसनेस, वही चेतना, वही लाइफ एनर्जी, जब यहाँ पर फोकस हो रही है, उस फोकस को मैं ये कह रहा हूँ मेरी आत्मा है, और वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस आपके हार्ट सेंटर में फोकस बन रही है, सेंटर बन रही है, उसको कहा जा रहा है ये आपकी आत्मा है। बात एक ही पॉइंट बन गया, एक पॉइंट यहाँ बन गया, एक पॉइंट वहाँ बन गया। यदि आप पॉइंट को देखते हैं, फोकस को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये आत्मा अलग है, वो आत्मा अलग है, लेकिन यदि आप उस करंट को देखते हैं, पूरे लाइफ एनर्जी को, जो प्रवेसिव है और प्रवेसिव है, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं अलग नहीं है, एक ही। तो जब आप उस तल को छूते हैं, एक तल ऐसा आता है जीवन में, जब आप उस तल को छूते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, आप अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो तल है, ये फिजिकल लेवल पर पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हमारा जो स्थूल शरीर है, वो इतना ग्रॉस है, ये जो व्हीकल है, ये जो यंत्र है, इतना सॉलिड है,
कि जब वो सेंटर वो फोकस यहाँ बनता है तो उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको ये महसूस होता है कि ये अलग है। तो फिजिकल लेवल पर स्थूल तल पर ये अनुभूति होना कि मैं और तू एक ही है, अलग अलग नहीं है, मैं और मेरा परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये स्थूल तल पर पॉसिबल नहीं। इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ता है, अपने कॉन्शियसनेस के केंद्र को जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस उसको शिफ्ट करना पड़ता है। जब तक हम फिजिकल लेवल पर हैं तब तक हमें कोई इसकी अनुभूति नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग अलग लगता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी की कंस्ट्रक्शन सबकी अलग अलग है। मुझे भूख लगी है, आपके को मुझे कोई भूख नहीं लगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपके कभी न कभी ठीक हो, दोनों अंतर अलग अलग है। इसलिए हम लोग महसूस करते हैं मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, आपकी 6 फीट हाइट है, दूसरे व्यक्ति की 5 फीट हाइट है, आप बहुत भारी हैं, दूसरा व्यक्ति भारी नहीं है। तो ये चूंकि शरीर अलग अलग है, जब आप शरीर के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो तब तो आप अलग अलग होंगे, लेकिन यदि आप शरीर को अपना उपकरण मानते हो और जो शरीर के अंदर चेतना है उसको छूते हो तो आपको लगता है ठीक है वो भाई साहब का शरीर है, ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं और वो एक ही है, एक ही चेतना है। ये बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आए तो आप हाथ खड़ा करें, क्योंकि इसको समझना बहुत आवश्यक है, रटना नहीं है इन बातों को। यदि आपने श्लोक रट लिए गीता के अध्याय से 2, 4, 10, 20 उपनिषद के श्लोक रट लिए, उनको दोहराते रहे, उससे बात नहीं बनने वाली, आपने उसको समझना है। इसका जो डीप सिग्निफिकेंस है, इसकी जो डेप्थ है, उसको यदि एक बार समझ में आ गई बात फिर बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग ये मेडिटेशन में लाभकारी है, इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप इनको नहीं जानेंगे, ये थोड़ा सा इसको बंद कर दे, बहुत तेजी से लाइट आ रही है, ग्लेजिंग पड़ रहा है, एक थोड़ा बंद कर दीजिए, बस बस ठीक है, थोड़ा सा ग्लेजिंग पड़ रहा था, आँखें बार बार चला रहा है। तो ये बात बहुत आवश्यक है समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चेतना का एक केंद्र, सेंटर ऑफ लाइफ, जिसको जीवात्मा नाम से पुकारा जाता है। बात ठीक है, आप ये शरीर नहीं है, आप भी चेतना के एक केंद्र हैं जो इस शरीर के अंदर स्थित है, वहां पर फोकस बना हुआ है, जिसको जीवात्मा के नाम से पुकारा जा रहा है। तो वो जीवात्मा और ये जीवात्मा, ये एक ही जो चेतना है, जो चेतन शक्ति है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, उसी में दो केंद्र बने हुए हैं, लगते अलग अलग हैं लेकिन एक ही चेतना के केंद्र है। ये बात ठीक है, जिंदा है। इसकी अनुभूति होना कि हम अलग अलग नहीं हैं, यदि व्यक्ति इस बात की अनुभूति कर ले कि मैं जो समष्टि चेतना, समष्टि जो चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसी को परमात्मा कहा। परमात्मा कोई ऐसा लंबी दाढ़ी वाला, गले में सांप डालने वाला जूता जूट जैसा शिव का रूप आप देखते हैं, या कृष्ण का रूप देखते हैं, या शंकर का रूप देखते हैं, या विष्णु भगवान का रूप देखते हैं, वो तो एक उसके काल्पनिक आकार है, जिन शरीरों के आकार है। चेतना जिस पर्टिकुलर शरीर से मैनिफेस्ट हुई उस शरीर का थोड़ा सा आकार बना दिया, जैसे कृष्ण के शरीर से वो चेतना मैनिफेस्ट हुई, कृष्ण को जो बंसी बजाने वाले कृष्ण हैं, उस कृष्ण के शरीर को यदि आप भगवान मान रहे हैं तो कृष्ण का जो शरीर है वो भगवान नहीं है, कृष्ण के शरीर के अंदर जो कृष्ण का कॉन्शियसनेस जो चेतना कार्य कर रही है वो परमात्मा है, वो भगवान है। और वो चेतना जो उनके अंदर काम कर रही थी, वो सेंटर फोकस जो बन रहा था, उस चेतना ने अपने उस जो समष्टि चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ एकत्व की अनुभूति स्थापित कर ली, इसलिए उसको परमात्मा कहने लगे। यदि आप भी आपकी चेतना आपका केंद्र ये एक्सपेंशन हो जाए कि आप अपने आप को अलग न समझकर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मींस परमात्मा तत्व, जो परमात्मा है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यदि आप इसको एक महसूस करने लगे, एकत्व की अनुभूति होनी शुरू हो जाए, तो आप भी कृष्ण से या बुद्ध से कम नहीं है, क्योंकि चेतना तो एक ही है सबके अंदर। 0 वाट के अंदर बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और जो 1000 वाट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और जो पावर हाउस में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क है क्या? बताइए, कोई फर्क नहीं, एक ही तो एनर्जी है ना। इसी तरह से निम्न से निम्न व्यक्ति में, पेड़ पौधों में, एक छोटे से जब कीटाणु जो घूम रहा है यहाँ, जो कीड़ा जमीन पर रह रहा है, उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर जो लाइफ फोर्स है, और जो महात्मा बुद्ध के अंदर जो कॉन्शियस चेतना है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं, चेतना एक ही, लाइफ फोर्स एक ही। लेकिन वो लाइफ फोर्स महात्मा बुद्ध के शरीर से मैनिफेस्ट हो रही थी,
उस लाइफ के फोकस के सेंटर पर, उस चेतना के उस केंद्र के लेवल पर वो रियलाइजेशन हो चुका है, वो एकत्व की अनुभूति हो चुकी है, पूरी समष्टि चेतना के साथ वो एक हो चुका है। इसलिए उसके अंदर वो शक्तियों का भंडार है, वो लिमिटलेस है। और वो कीड़े के अंदर जो जरा सी चेतना एक सरल फोकस है, वो अपना आपको एक लिमिटेड कुकून के अंदर बनाए रखा है, इसलिए वो लिमिटेड है, वो इम्परफेक्ट है, वो एक अदना सा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो अपना आपको बिल्कुल असहा पाते हैं, दुखी हैं, कष्ट में बह रहे हैं, पता नहीं कि वो मस्त आ रहा है तो परमात्मा। और यहाँ पर परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है, वो तो गधे से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं जीवन में। ये कैसे, ये बड़ी भारी मिस्ट्री है। देखिए कितना भारी बात है कि परमात्मा तत्व जो सर्वत्र व्याप्त है, उसी का एक केंद्र बना हुआ है, और वही शरीर में आने के बाद फंस जाता है, और फंसने के बाद वो उससे निकलना चाहता है। जब तक वो फंसा हुआ है, तब तक उस पागलपन में आया हुआ है, तब तक वो अपने आत्मरूप को नहीं पहचान सकता। ये बात हमको समझ आनी चाहिए। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो आई हैं, क्योंकि हम हर व्यक्ति अपने आप को लिमिटेशंस में महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कह सकता कि परफेक्ट है, या वो पूर्ण ज्ञान है, या वो लिमिटलेस है, या उसको ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूरा एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है। जब तक वो उस पद तक नहीं पहुँच पाता, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती, जब तक वो उस तल पर, आत्मिक तल पर जाकर उसकी चेतना का एक्सपेंशन नहीं होता, तब तक वो इस बात की अनुभूति कर नहीं पाता, लिमिटेशन से फंसा हुआ है। इसको एक और उदाहरण, बात और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक राजा है, तो राजा जब अपने राज में है तो सर्वत्र उसकी पूजा होती है, सब लोग उसको नमस्कार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वो कुछ ऐसी हिप्नोटिक स्टेट में आ गया, वो पागल हो गया। पागल होने के बाद में भी है तो राजा ही ना, लोग तो उसको पहचानते हैं राजा है। लोग क्या कहेंगे कि राजा है बेचारा, घूम रहा है, ठीक है ना। वो राजा अपने राज से बाहर निकल गया घूमते घूमते, हर एक राज की अपनी सीमा है। जब वो दूसरे राज की सीमा में पहुंच गया, वहां जाने के बाद वो अब वहां के लोग तो उसको पहचानते थे, यहाँ के लोग तो पहचानते थे उसको कि चलो राजा है, पागल हो गया बेचारा, उसको खाना भी मिलता था, उसकी परवरिश होती थी, उसको दवाई का पूरा इंतजाम होता था, कपड़ा वगैरह सब उसको दिया जाता था। लेकिन वो दूसरे राज की सीमा में पहुंच गया जहाँ को नहीं पहचानते, और लोग उसको पत्थर मारते हैं, खाना नहीं देते, भूखा मर रहा है, कोई खाना खा के पत्ता फेंक देता है, उस पत्ते को उठा के वो चाट रहा है। है राजा, देखिए राजा की क्या स्थिति होगी, राजा की एक ऐसी स्थिति आ गई कि पागलपन की, कि वो जो पत्ते चाट के लोग फेंक रहे हैं खा के, उसको वो चाट रहा है। आप समझ रहे नहीं बात, लेकिन फिर भी आप उसको राजा ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वो कोई दूसरा आदमी बदल के है, तो वही आदमी, लेकिन उसकी एक मेंटल स्टेट ऐसी होगी, उसकी जो चेतना की अवस्था है ऐसी लोअर स्टेट में चलेगी कि उसको अपना एहसास ही नहीं। अब उसके पास जाके कोई आदमी, उसके राज का कोई आदमी वहाँ गया, उसको पहचान ले तो अरे ये राजा तो यहाँ गटर में पड़ा हुआ है, और ये तो बहुत बुरी हालत में है, पत्ते खा रहा है और मेला कुचेला जीवन बिता रहा है। उसके कान में कहता है अरे तू तो राजा है, तू अपने वस्तित्व को क्यों नहीं पहचानता, तू राजा है और तू यहाँ क्यों पड़ा है। तो सुन के बड़ा खुश होता है, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ। अब वो दोहराना शुरू कर देता है उस शब्द को, मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ। अब वो एक बार नहीं, एक करोड़ बार भी दोहराए तो भी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को तो नहीं आ रहा वापस। जब तक उसका पागलपन नहीं खत्म होगा, जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा, जब तक उसको अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होगा कि मैं राजा हूँ, वो अपने मेंटल स्टेट से जो डिरेंज स्टेट है, जो पागलपन था उससे ठीक नहीं होगा, तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपने सुख शांति का, अपने आनंद का भोग नहीं कर सका। ये तो आप मानते कितना ही वो दोहराता रहे, वैसे ही राजा हम हैं, वैसे ब्रह्म हमें, जीव ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्म शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा का सारा जो जगत है ये सब ब्रह्म स्वरूप है। जगत तो ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, जीव कोई ब्रह्म का है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि शिवोऽहम् सोऽहम्, ऐसे मंत्रों का महावाक्य भरे पड़े हैं उपनिषद में। वो क्या कहते हैं कि आप जीव ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म परमात्म तत्व है। तो मैं यदि ये कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप मुझे एहसास है नहीं, मैं एक ऐसी हिप्नोटिक, ऐसी एक डिरेंज स्टेट में हूँ कि मुँह से तो मैं बोल रहा हूँ कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं
मैं जीव, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सोहम मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, शिव हम मैं शिव हूँ, है ना। तो मैं एक करोड़ बार, क्या मैं 10 करोड़ बार भी दोहरा दूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब मुझे अपने अंदर से इस बात की अनुभूति होगी, रियलाइजेशन होगा, मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाऊँ, क्योंकि वास्तव में हूँ वही, हम सब वही हैं। लेकिन एक ऐसी हिप्नोटिक स्टेट में आ गए हैं, एक ऐसे इल्यूजन में, एक ऐसे मायाजाल में, एक ऐसे भ्रम में फंस गया है ये जीव कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। आपको ये बात समझ में आई ना कि जीव भ्रम होते हुए भी भ्रम नहीं है, क्योंकि वो अभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में है नहीं। वो भ्रम दोनों स्टेट में ठीक है, वो भ्रम तो है ही। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, पानी है, पानी का और सटल सूक्ष्म तल है स्टीम है, स्टीम का और सूक्ष्म तल है एटॉमिक एनर्जी है। तो एटॉमिक एनर्जी कितनी पावरफुल है, कितनी एनर्जी है उसमें, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े में करोड़ों एटम बम बन सकते हैं उसमें, तो जितने भी एटम होते हैं एटम बम बन सकते हैं, कितनी एनर्जी उसके अंदर छुपी हुई है। जब वो एनर्जी की एनर्जी मैनिफेस्टेड फॉर्म में होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है, तो कितनी बड़ी एनर्जी होती है। तो जो एटॉमिक एनर्जी है वाटर का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, एटॉमिक एनर्जी को आप अंदाजा लगाइए कितनी पावरफुल। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स जब आपस में कोलाइड करते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो पानी बन जाता है। पानी जब पोर कंडेंस्ड हो जाता है तो बर्फ सॉलिड बन जाता है। तो ये जो बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है ना, बर्फ का टुकड़ा है तो पानी ही, उसमें भी वो सारी एटॉमिक एनर्जी है, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन स्टेट में आ गया कि ये बर्फ पानी होते हुए भी, ये बर्फ वो स्टीम के सारे क्वालिटीज होते हुए भी, ये बर्फ के अंदर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक एनर्जी होते हुए भी, ये उस तरह का काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक ऐसी लिमिटेशंस में आ गया। हम देख रहे हैं ना, साइंटिफिक फैक्ट है, लिमिटेशंस है। तात्विक दृष्टि से आप यही कहेंगे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही एटम्स से, बल्कि ये बर्फ बना है, पानी से ही बना है। लेकिन जब तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, तब तक ये उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी उसके अंदर छुपी हुई है, जो सुप्त अवस्था में उसकी शक्ति है, वो प्रकट नहीं हो पाएगी। ये उदाहरण भी कुछ है, हालांकि जितने भी हम उदाहरण दे रहे हैं सबके सब छोटे हैं। उस परमात्म तत्व का आत्मा के साथ उदाहरण देना, किसी भी सांसारिक वस्तु के साथ उदाहरण देना बहुत ही छोटा बन है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं बन सकता। फिर भी हम समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम हैं क्या है। तो हम जीव, परमात्मा, ब्रह्म, चेतना, वो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और हम ये कहाँ फंसे हुए हैं। तो अपने लिमिटेशंस को हम जानना चाह रहे हैं कि हम लिमिटेड हो गए हैं, वही होते हुए भी हम लिमिटेड हो गए हैं, इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं, दुखी हैं, भ्रम मायाजाल में फंसे हुए हैं, दुख और कष्ट भोग रहे हैं, और छोटे छोटे मूंगफली के टुकड़ों के लिए हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, छोटे छोटे सिक्कों के लिए हम ललचा रहे हैं और भाग रहे हैं लालच में। पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए, वही पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतना है, पूरी चेतना का विस्तार होते हुए भी, उसके साथ जुड़े होते हुए भी, हम इतने अल्पा के और इतने असहा और इतने हीन हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अपनी इस हीनता को पहचानना और अपनी जो वास्तव में हमारी जो हायर डिविनिटी है उसके साथ कंपेयर करना और फिर उसकी स्टेट में आ जाना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो फिर हम फंसे रहे। तो ये जो भ्रम है, ये जो इल्यूजन है, हम अब ये इल्यूजन क्यों आया इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। कैसे आया? जो मटेरियल स्टेट है उसको तो हमने समझ लिया कि चेतना जो एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, वो एटॉमिक एनर्जी के लेवल पर उसकी शक्ति अलग होती है। जब वो मॉलिक्यूल लेवल पर आता है तो उसकी शक्ति थोड़ी और कम हो जाती है, जो वो मैटर लेवल पर आता है तो उसकी शक्ति और कम हो जाती है। तो धीरे धीरे वो कंडेंस्ड होते होते एनर्जी सुप्त अवस्था में चली जाती है। तो जो मैटेरियल स्टेट है, जो प्रकृति के तत्व है, प्रकृति की जो एनर्जी है, उसकी तो स्टेट हमको समझ में आ रही है कि वो कंडेंस्ड होते होते नीचे आ गई, तो वो सुप्त अवस्था में आ गई। लेकिन जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो लाइफ एनर्जी है, जो मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, कृष्ण के अंदर भी वही है, बुद्ध के अंदर भी वही है, क्राइस्ट के अंदर भी वही है, वो यहाँ पर इस शरीर में फंस कर कैसे लिमिटेशंस में आई? क्योंकि उसकी उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, उसको एक भ्रम, उसको एक फ्यूजन हुआ है, वो साइकोलॉजिकल उसका डिग्रेशन हुआ है, उसका तो फैक्चुअल डिग्रेशन हुआ है,
जो मेटेरियल एनर्जी है उसका फैक्चुअल डिग्रेशन हुआ है कि वो एटॉमिक एनर्जी से वो स्टीम बनी, स्टीम से पानी बनी और पानी से फिर बर्फ बनी, वो फैक्चुअल डिग्रेशन है, उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, उसकी प्रॉपर्टीज बदल दी जा रही है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो गैस है, वो एनर्जी की स्टेट है, लेकिन ये जो हमारी लाइफ फोर्स है इसमें कोई इस तरह का रियल फैक्चुअल चेंज नहीं है, ये जो थी वही है और जो है वही रहेगी, इसको एक इल्यूजन हो गया, इसको भ्रम हो गया है, इसको ये एक ऐसे इल्यूजन में, एक ऐसे माया जाल में फंस गई है, तो ये जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है, ये किस वजह से हुआ है, इसको समझना है, कॉज को समझ लिया यदि आपने, तो आप कॉज से बाहर आ जाएंगे, उस कारण को खत्म कर देंगे और आप वही सर्वत्र चैतन्य होंगे, ठीक है, आप इंटरेस्टेड है ना कॉज को जानने में, पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था, लेकिन आप भूल जाते हैं, आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, रट लेते हैं, समझना है, यदि आपने समझ लिया तभी बात बनेगी, देखिए चेतना इस शरीर के अंदर काम कर रही है, कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस लाइफ एस्पेक्ट, स्पिरिट एस्पेक्ट है, वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन जब वो शरीर के साथ वो काम करती है तो उसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है मैं ये शरीर हूँ, उसको एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, और ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है अपने आप को शरीर के साथ आपके साथ करना, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन उसके साथ आई, क्योंकि शरीर तो लिमिटेड है, यदि मैं चेतना जो पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है, सिर्फ फोकस उसका यहाँ बना हुआ है, वो यदि अपने आप को शरीर के साथ, शरीर में कार्य कर रही है, इस शरीर के साथ अपने आप को आत्मसात कर ले और ये महसूस होने लगे उसको कि मैं ही शरीर हूँ, जीवात्मा यदि ये महसूस करने लगे कि मैं आत्मा शरीर से अलग नहीं हूँ बल्कि ये शरीर ही हूँ, शरीर चूंकि लिमिटेड है और मैंने अपने आप को, आत्मा ने अपने आप को शरीर समझ लिया, तो शरीर लिमिटेड है, आत्मा भी लिमिटेड होगी क्योंकि उसके साथ वो बंध रही, एक ऐसा भ्रम इसके ऐसा होगा, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसको ये एहसास हो गया कि मैं ये शरीर ही हूं, और शरीर मरता है, कटता है, रोता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं मर रहा हूं, मैं कट रहा हूं, आत्मा तो ना मरती है ना कटती है, ना आत्मा को कष्ट होता है, जीवात्मा ना कभी मरती है ना कभी कटती है ना कभी जन्म लेती है, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, शरीर जन्म और मरता है, शरीर की मृत्यु होती है, और जब आत्मा ने अपना को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया तो शरीर जब मरेगा और आत्मा अपना आप को ये समझने लगे कि शरीर हूं, तो ऐसा एहसास होता है कि मैं मर रहा हूं, जैसे मैं, हम जानते हैं इस बात को कि मैं और आप शरीर नहीं है, लेकिन जब शरीर मरता है तो या शरीर में दर्द होता है तो हम कहते हैं मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, एक्चुअली दर्द मुझे नहीं है, दर्द शरीर के अंदर है, शरीर कटता है, मेरा हाथ कट गया तो, या मैं कट गया बीच से, तो आदमी महसूस करता है कि मैं कट गया, मैं मर रहा हूँ, एक्चुअली जो मैं है वो ना कटता है ना मरता, मैं तो आत्मा है, चेतना है, जो मैं नाम से जाना जा रहा है, शरीर ही मरता है, शरीर ही कटता है, भूख लगती है, जब शरीर को भूख लगती है तो आम आदमी कहता है मुझे भूख लगी है, तो भूख मुझे नहीं लगी, भूख मेरे शरीर को लगी है, आप समझ रहे ना ये बात, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको यदि आपने पकड़ लिया पॉइंट को तो फिर आप बहुत मजे में रहेंगे, यदि नहीं पकड़ में आया तो ठीक है, जैसे 6,000 करोड़ लोग जिंदा है, हम भी ऐसे जिंदा है, जी रहे हैं, या किसी पंडित पुजारी के चक्कर में आ गए, या किसी गुरु भंडाल के चक्कर में आ गए, दाढ़ी बढ़ाने वाले की और लंबा चौड़ा पैरा फलेलिया जिसने बनाया हुआ है, जहाँ पर खाली लोगों का एक बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ इतने सारे लोग बन गए तो हम भी बन जाएंगे, लेकिन जिसने इसको तत्व को समझ लिया, इसके लिए ये आत्म परमात्मा, इसके लिए कोई वो नहीं है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लाइट है, आपको समझना है अपनी तरफ से, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ आपके पास है समझने की, दूसरा कोई नहीं समझा रहा, आप खुद उसको समझना चाहेंगे, खुद समझेंगे तभी वो बात आएगी, तो जब हम ये कहते हैं मुझे भूख लगी है, क्या सचमुच मुझे भूख लगी है, खाना तो मैं नहीं खाता, खाना तो मेरा शरीर खाता है, भूख शरीर को लगी है, पानी की कमी हो गई है तो मुझे प्यास नहीं लगी, इस शरीर को प्यास लगी है, तो ये अवेयरनेस यदि हमेशा बनी रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा, जीवात्मा को ना भूख लगती है, जीवात्मा को ना प्यास लगती है, जीवात्मा ना मरती है ना कटती है ना जन्म लेती है ना मृत्यु उसकी होती है ना उसको कष्ट होता है, कष्ट तो शरीर के तल पर है, ये बात क्लियर है ना, समझ में आ गई ना भाई, अब ए,
एक शरीर के तल पर तो हम भुगत लेंगे, हम अपने आप को पहचान लेंगे, हम ये चलो शरीर नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। फिर दूसरा शरीर बीच में आ जाता है, प्राण कोष आ जाता है, सात शरीर है। एक एक शरीर के साथ आपको टैकल करना है और हर तल पर ये महसूस करना है कि मैं ये फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं ये ईथरिक बॉडी नहीं हूँ, मैं ये एस्ट्रल बॉडी नहीं हूँ, मैं ये लोअर मेंटल बॉडी नहीं हूँ, मैं ये हायर मेंटल बॉडी नहीं हूँ। ये एहसास अंदर से होना है, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, प्राण में कोश तो अन्नमय कोश कहते हैं ना, मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राण में कोश भी नहीं हूँ, मैं काम में कोश भी नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश भी नहीं हूँ, मैं विज्ञान में कोश भी नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल सेंटर आत्मा का चेतना का केंद्र हूँ जो जीवात्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिजिकल लेवल पर ही बहुत से लोग अपने आप को नहीं अलग कर पाते, जो सूक्ष्म तल है, जो मन के तल पर और हायर मेंटल के तल पर अपने आप को अलग कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये जो हम लोगों का एक मंत्र हमने पिछली बार बताया था कि ऑब्जर्वेशन की जो क्रिया है साक्षी भाव दृष्टा भाव से, ये इस अवेयरनेस को लाने में बहुत मदद करता है। जब आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने शरीरों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप ये शरीर नहीं है, आप अपने आप को इन शरीरों से अलग कर पाते हैं। जब तक आप इन शरीरों के साथ घूमते रहे, जब तक आप इन शरीरों के साथ आते जाते रहे, मिक्सअप रहे, तब तक तो आप डुअलिटी नहीं, आप उसके साथ ही घूमते रहे। लेकिन जब आपने शरीरों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो जो रियल आप हैं, जो रियल चेतना है, उसने वो ऑब्जर्वेशन में लगी, तो शरीर के शरीर से उसका अपना कॉन्टैक्ट हटा के शरीर को ऑब्जर्वेशन में लगी। फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रही है, भावनात्मक शरीर में भाव उठ रहे हैं उसको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेंटल बॉडी में थिंकिंग थॉट प्रोसेस शुरू हो रहा है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब तो अपना आप को इसने खींच लिया ना इससे, इस प्रोसेस में ये बड़ी बात भारी बात हुई। एक तो आप जो शरीर के साथ ही घूम रहे थे, आत्मा जो शरीर के साथ ही आपके साथ की हुई थी, शरीरों के साथ मिक्सअप थी, अब उसने अपने आप को अलग कर लिया। ऑब्जर्वेशन तो तभी कर सकेगी, ठीक है ना। यदि मैं उसके साथ एक अवेक हूँ तो मैं इसको ऑब्जर्व कैसे करूँगा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मुझसे अलग होना पड़ेगा। तो चेतना है अपने शरीरों से अलग होती है, उसको ऑब्जर्व तभी वो कर पाती है। मानसिक शरीर से अलग होगी तभी वो मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, उनको वो ऑब्जर्व कर पाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में, साक्षी भाव के प्रोसेस में, इसी को विपश्यना महात्मा बुद्ध ने नाम दिया है, इस प्रोसेस में ये होता है कि आप अपने आप को इन शरीरों से अलग कर लेते हो और शरीरों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हो। और शरीरों में एक्टिविटी होती रहती है क्योंकि शरीर की अपनी चेतना है, शरीर के अंदर भी थोड़ी एनर्जी वर्क कर रही है, तो लेकिन वो जो एनर्जी है बहुत कम है, वो एनर्जी इतनी नहीं है कि उस वो एनर्जी उसको बहुत देर तक घुमाती रहे, बहुत देर तक उससे स्पंदित होता रहे शरीर, विचार बहुत देर तक आते रहे। जो असल शक्ति थी, जो वास्तविक एनर्जी थी, जो इसको थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करती थी, वो अलग हो गई, उसने अपने आप को अलग खींच लिया जीवात्मा ने। तो ये थोड़ी देर स्पंदित होने के बाद, ये विचार थोड़ी देर बाद उछल करने के बाद शांत हो जाएगा। और जैसे ही मेंटल बॉडी शांत हुई, आप जो है, जो रियल आप है, चेतना के केंद्र शिफ्ट होके इंट्यूटिव लेवल पर चले जाएंगे, जहां से रियल मेडिटेशन शुरू होगा। ये बात समझ आई? तो एक तो हम लोगों को अब इससे इल्यूजन वाली बात भी क्लियर हो रही है थोड़ी सी, ये इल्यूजन था, हम अपने आप को शरीर समझे हुए थे, शरीरों के साथ हम अपने आप को जुड़ा लिया था, और शरीर चूंकि लिमिटेड है इसलिए हम अपने आप को लिमिटेशंस में आ गए थे, तो उससे लिमिटेशन से बाहर आ गए, अपने आप को ओरिजिनली स्वरूप में आ रहे हैं, आप पहचान रहे कि मैं शरीर नहीं, शरीरों की एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे तो आप अलग होंगे। और शरीर यदि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं तो आप इस शरीर से अलग होंगे, इनकी एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लिया मेंटल बॉडी ने कोई घिनौना गंदा विचार आया, मेंटल बॉडी ने कोई ऐसा विचार प्रस्तुत किया जो अच्छा नहीं है, जो मुझे चेतना को अच्छा नहीं लगा, तो उसको ऑब्जर्व कर लिया, नोटिस कर लिया, अच्छा इतनी घटिया विचार कर रहे हो, तो ये बॉडी सहम जाती है। जब आप यदि किसी को देखें, किसी की बात को पकड़ लें कि इतना घटिया काम कर रहे हो, तो आदमी जो है शर्म आ जाता है, आप देखें ना वैसे। तो ये जो हमारा लिविंग एंटिटी है, हमारी जो मेंटल बॉडी है, ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार छोड़ती है। भावनात्मक शरीर जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, ये भी अच्छे और बुरे दोनों भाव छोड़ती है। जैसे ही मैंने, जो मालिक है इसका, इसने जैसे ही इसको ऑब्जर्व किया भावनात्मक शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को, कि गंदा भाव आ रहा है, तो ऑब्जर्व करते ही ये सहम जाती है, अरे
मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा गंदा भाव नहीं लाना चाहिए, मुझे घृणा का भाव नहीं लाना चाहिए, मुझे ऐसा गंदा, तो इससे प्योरिफिकेशन शुरू हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में आप साइलेंस में जाने में ही मदद नहीं कर रही, बल्कि ये जो आपका प्योरिफिकेशन है उसमें भी मदद कर रही है। शरीरों का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मंत्र है, अपने आप को ऑब्जर्व कर, इसको इम्पार्शियल सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इम्पार्शियल सेल्फ ऑब्जर्वेशन, निष्पक्ष और निरपेक्ष आत्मनिरीक्षण, ये कोई नहीं कर पाता। सब आदमी दूसरों का निरीक्षण करते हैं, दूसरों कहते हैं वो ऐसा है, आप ऐसे हैं, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आप इतने गंदे हैं, आप ऐसे गंदे विचार रखते हैं, अरे वो अपने आप को तो देख, मैं कैसा हूं। ये आत्मनिरीक्षण, जो व्यक्ति अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है, अपने विचारों को पढ़ना शुरू कर देता है, अपनी भावनाओं को पढ़ना शुरू कर देता है, वो शुद्ध पवित्र होता चला जाता है। यदि मुझे ये पता लग गया, मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा काला धब्बा लग गया, शाही लग गया, तो फिर मैं लगे रहने दूंगा क्या उसको। जब तक मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ चलते समय कुछ काला लग गया था, लग गया किसी दीवार से काला पेंट लग गया है, कुछ लग गया, तब तक मुझे पता नहीं है तो लगा रहेगा, लोग हंस रहे हैं, देखो वो काला लिए घूम रहा है, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर और मैं अपने मस्ती में जा रहा हूँ। जब तक मुझे पता नहीं है तो मैं उसको साफ नहीं कर सकता, लेकिन जिस सेकंड मुझे ये पता लगा अरे ये लगा है, तो फौरन मैं उसको साफ कर लूंगा, एक सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा, है ना। ऐसे जब हमें अपने विचारों के बारे में ये एहसास होता है, ये ऑब्जर्वेशन होता है, अरे मेरे इतने गंदे विचार हैं, अरे मेरे अंदर जेलेसी का विचार आ गया, मेरे पास दो कमरे का मकान है, मेरे साथी ने चार कमरे की कोठी बना ली और मैं जल रहा हूँ, भुन रहा हूँ, जेलेसी हो रही है। जैसे ही मैंने अपने जेलेसी के विचारों को ऑब्जर्व किया कि अरे मैं इतना घटिया विचार कर रहा हूँ, मेरा इसमें क्या गया, यदि उसने चार कमरे का मकान बना लिया तो अपनी मेहनत से बनाया है, मेरा तो कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ, जैसा मेरा था मेरा तो वैसे का वैसा ही है, मेरे घर से तो कुछ नहीं गया, फिर मैं क्यों ये बिना बात जल रहा हूँ, और जल रहा हूँ तो मैं किसको जला रहा हूँ, किसको नुकसान कर रहा हूँ, अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि जलेसी से मैं खुद जल रहा हूँ। मुझे क्रोध आया, मुझे गुस्सा आया भाई के ऊपर या किसी बहन के ऊपर, उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की, मैं क्रोध आ रहा है, जब तक मुझे क्रोध का एहसास नहीं है तो मैं आप लोगों लग हुए जा रहा हूँ, खून जल रहा है मेरा, एनर्जी वेस्ट हो रही है, हाथ पैर पीट रहा हूँ, कान आंखें लाल हो रही हैं, गालियां दे रहा हूँ, उसे घूम रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, खुद भी बच्चों को भी परेशान कर रहा हूँ। और जब ये एहसास होना शुरू किया, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे बिना बात का गुस्सा आ गया, उसने यदि गलती की है तो क्या मैं ऐसा परफेक्ट हूँ कि मैं कभी गलती कोई नहीं करता क्या। भाई से या बहन से कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मुझे उसके प्रति टॉलरेंट होना चाहिए। जब आपने अपने क्रोध को ऑब्जर्व कर लिया, क्रोध गायब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, जब आपको ये पता लग गया कि आपके चेहरे पर कहीं धब्बा लगा हुआ है तो साफ हो जाएगा। जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, शुरू में बड़ी हंसी की बात है, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग एडमिशन लिया तो वहाँ पर वो रैगिंग करते थे बच्चे, तो मेरे पीछे किसी ने पीठ पे एक पेपर में लिखा मैं गधा हूँ और मेरे ग्रीस से चिपका दिया पैंट के पीछे। अब जब तक मुझे ये पता नहीं है कि पीछे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं मस्ती में घूम रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, और बच्चे लोग हंस रहे, जो सीनियर थे ना जिन्होंने लगाया था वो मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब तक मुझे ये नहीं पता लगा कि पीछे कुछ ये लिखा हुआ है, तब तक मैं मस्ती में था। जैसे मुझे ये पता लगा, मेरे देखे क्यों हंस रहे हैं, पीछे देखते हंस जाते, तो मेरे पीछे कुछ ऐसे हाथ लगाया तो ग्रीस कागज मैंने हटा कर देखा, उसमें लिखा था मैं गधा हूँ। तो जब मुझे ये पता लगा ऐसा लिखा हुआ है, तो एक सेकंड ही लगाएंगे ना उसको हटाने में। ऐसे ही है हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी क्रियाएं, कर्म भी, हम कई बार तो ऐसे घिनौने कर्म करते हैं, ऐसे गलत कार्य करते हैं जिसको अशुद्ध कर्म या विकर्म या कर्म कहते हैं, कि हमें एहसास नहीं होता। आप चलते हैं, चलते चलते आपने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों की तरह से हमारा बिहेवियर होता है। बच्चा क्या करता है, चल रहा है, उठाया पत्थर और ऐसे फेंक दिया बिना किसी प्रयोजन के, उसको बेचारे को पता नहीं है, चल रहा है जूते पहन के, सामने कोई छोटा कुत्ते का पिल्ला बैठा है उसको ठोकर मार दी, देखा है आपने किसी बच्चों को देखा हो, चल रहा है, चलते चलते फूल की पत्ती तोड़ी, फूल तोड़ा और आगे तोड़ के फिर फेंक दिया, आगे चल रहे। कई लोग बैठे रहते अपने पैर को यूं यूं मिलाते रहते, आप देखा हो ना कुर्सी में बैठे रहते ऐसे से लगते रहते, उनको एहसास ही नहीं है। कुछ क्रियाएं हमारी फिजिकल तल पर यूजलेस है, जिसका हमें एहसास नहीं है। दूसरों को हम कुछ भी कह देते हैं मस्ती में, और फिर ऊपर से हम बड़े सच्चे बनते हैं, नहीं जी मेरा नेचर तो बिल्कुल साफ है, मेरे मन में जो आया मैंने वही कह दिया। अरे मन में कहीं ये कड़वी बात ही आनी थी क्या, कि आपने तो कह दिया वो बेचारा तो जल भुन गया, उसका तो बेचारा का दुख हो गया, उसको कष्ट हो रहा है, आपने उसको ऐसी बात कह दी। तो अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने स्पीच के प्रति और अपने
थॉट्स जो हमारे क्रियाएं हैं जब आप उनके प्रति जागरूक होने शुरू हो गए उनको आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया डबल बेनिफिट हुआ एक तो बेनिफिट ये हुआ आपका रिफॉर्मेशन शुरू हो गया जिस विचार को जिस भावना को जिस शब्द को जिस क्रिया को आपने गलत समझा आप समझते हैं हर आदमी जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है हर आदमी जानता है कि उसको चीट नहीं करना चाहिए लेकिन 99% लोग चीट करते हैं हर आदमी जानता है मुझे किसी को एक्सप्लेट नहीं करना चाहिए लेकिन 99% एक्सप्लेटेशन हो रहा है हर आदमी जानता है मुझे ऑनेस्ट लाइफ लीव करनी चाहिए लेकिन 99% लोग डिसऑनेस्ट हैं वैल्यूज खत्म होती जा रही है आप ये इस बात को मानिए हम सभी उसमें शामिल हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग सबसे अलग हैं हम सब के मान्यताएँ बहुत बड़ी बड़ी हैं हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर हम जीरो हैं बस इसको ही ऑब्जर्व करना है कि हम इतने घटिया किस्म के एक्टिविटीज में इंगल्ज हैं उससे उसको ऑब्जर्व करते ही बहुत बड़ा कार्य होता है एक और उदाहरण से पकड़िए अगर क्लास टीचर बैठी हो क्लास में एक टीचर बैठी हो और बच्चे खूब शोर मचा रहे हो और वो क्लास टीचर जो है किसी दूसरी टीचर के साथ गपशप मार रही है तो बच्चे उधर खूब शोर मचा रहे हैं वो बिजी है इधर से उससे साथ गप मारने में या कुछ अपना काम कर रही है कोई नावल पढ़ रही है या अपना स्वेटर बन रही है कोई ऐसा कर रही है बच्चों को तरफ ध्यान नहीं दे रही ऑब्जर्व नहीं कर रही बच्चों को तो बच्चे खूब शोर मचा रहे हैं जैसे वो उसका ध्यान बच्चों की तरफ होगा ऑब्जर्व करेगी तो बच्चे शोर मचाते हुए क्या करेंगे एकदम चुप हो जाएंगे जैसे ही आप बच्चे को टीचर्स ने देखा बच्चों को एकदम से ऐसा होगा कि ओ टीचर देख रही है टीचर ने देख लिया है इसलिए जो बच्चा शरारत कर रहा होगा वहीं का वहीं रुक जाएगा जो शोर मचा रहा होगा वहीं का वहीं रुक जाएगा ऐसे ही जो हम हमारा वास्तविक रूप जो हम हैं हम अपने इन सबॉर्डिनेट स्टाफ को ये सात जो शरीर हैं हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं हमारे यूज के लिए दिया हुआ है इसको यदि हम ठीक से इस्तेमाल कर पाए इसको पूरी तरह से हम काबू कर सकें इसका पूरा ठीक इस्तेमाल कर सकें तो ये बड़े काम के इंस्ट्रूमेंट हैं और जब हम इनको ढीला छोड़ देते हैं इनको फ्री छोड़ देते हैं तो ये हमारे सर्विस पर डिपेंड करते हैं कई ओनर्स फैक्ट्रीज के इंडस्ट्रीज के कई ओनर्स हैं जो मालिक हैं वो अपने मजदूरों को या अपने स्टाफ को जब इतना ढीला छोड़ देते हैं तो अनाप स्टाफ डिमांड करना शुरू कर देते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उनके डिमांड्स को मानने के लिए लेकिन यदि मालिक स्ट्रॉन्ग है अपने ठीक से कार्य करता है अवेयरनेस उसको बना हुआ है इंटेलिजेंट है तो उनके चक्कर में नहीं आया तो यदि हम सचमुच अंदर से जगे हुए हैं जागरूक हैं और अवेयर हैं अपने एक्टिविटीज को वाच कर रहे हैं थॉट्स को विचारों को भावनाओं को अपनी क्रियाओं को तो बड़ा भारी इसका लाभ होगा लेकिन ये करने की बात बार बार दोहरा रहे हैं हम इसको बार बार दोहराने के बाद भी यदि हम सचमुच उस प्रैक्टिकल क्रिया में नहीं उतरते ऑब्जर्व नहीं करते तो बेकार तो मेडिटेशन में जाने के लिए एक तो ये बड़ा हेल्पफुल प्रोसेस है टाइम हो गया शाम को फिर हम लोग मिलेंगे आज इसी ऑब्जर्वेशन के उस पर ही आप रखिए शाम को कंसंट्रेशन कंटेंप्लेशन मेडिटेशन वाली बात भी करेंगे इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी आप मेडिटेशन में जा सकते हैं आप शांतचित होकर बैठें और आप सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करें उस ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में क्या होगा थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे विचार रुक जाएंगे भावनाएं रुक जाएंगी यदि नहीं रुक रही हैं विचार आ भी रहे हैं अच्छे या बुरे तो आप उनको ऑब्जर्व करते रहिए आप सिर्फ डिस्टर्ब ना हो ना गिल्टी फील करें यदि कोई विचार बुरा भी आ गया तो उसको ऑब्जर्व करें गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचार जो है वो आपका नहीं है विचार आपकी मेंटल बॉडी का है जो स्पंदित हो रही है जो स्पंदन के रूप में जो वाइब्रेशन के रूप में थॉट क्रिएट कर रही है वो आपकी मेंटल बॉडी कर रही है आप नहीं कर रहे इसलिए आपको आत्मा को गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जीवात्मा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो मेरा सबॉर्डिनेट स्टाफ मेंटल बॉडी है ये गलत किस्म के विचार छोड़ रहा है ये एहसास होते ही जो मेंटल बॉडी है वो रिफाइंड होना शुरू हो जाएगी और वो शांत होना शुरू हो जाएगी इस प्रोसेस से भी साक्षी भाव के प्रोसेस से दृष्टा भाव के प्रोसेस से भी आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं और ये जो ऑब्जर्वेशन होगा ये सीधा हायर मेंटल लेवल से शुरू होगा हायर मेंटल से शुरू करेंगे और हम सीधे इंट्यूटिव लेवल पर चले जाएंगे तो हम 5 मिनट के लिए इस प्रोसेस में बैठेंगे शाम को और ऐसे और बात करेंगे अभी तो जो ये ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है इसमें आप लोग बैठें 5 मिनट चाहे आप ध्यान यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या हार्ट सेंटर में लगाएं या जहाँ भी जाना चाहे फ्रीज को छोड़ दें कोई कंपल्शन नहीं है बस सिर्फ जागरूक होकर अपने विचारों को अपनी भावनाओं को अपनी क्रियाओं को वाच करें ऑब्जर्व करें साक्षी भाव से दृष्टा भाव से विटनेसिंग स्टेट में ठीक है ना आप नहीं विचार कर रहे विचार आपकी मेंटल बॉडी कर रही है
आप नहीं भाव कर रहे, आपके जो भावनात्मक शरीर है शरीर में मेरा हाथ हिल रहा है, ये मैं नहीं हिल रहा, आत्मा नहीं हिल रहा, आत्मा शरीर के माध्यम से कार्य कर रही, शरीर शरीर हिल रहा है। इस तरह की सारी एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करते करते आप देखेंगे साइलेंस में जा सकेंगे। ये जरूरत नहीं है कि आप एक दिन में साइलेंस में जाएं, लेकिन यदि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें 2-3 महीने 4 महीने तक, तो आपके विचार शांत हो जाएंगे। जैसे आप ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में आएंगे विचार शांत हो जाएंगे और शांत साइलेंस होते ही आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। तो 5 मिनट बैठने, ठीक है।